गाइस वेलकम बैक, क्या हालचाल, आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल भाई सुबह वाले एपिसोड में हम लोगों ने फाइनली एक कोशिश करी जो कि बहुत अमेजिंग तरीके से सक्सेसफुल भी हुई, बस उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने सुबह वाले एपिसोड में गोल्ड वाले बंदों का सबसे ज्यादा बड़ा खजाना चुराने का प्लान बनाया था और वो सक्सेसफुल भी हुआ थोड़ा सा। तो देख लीजिएगा आप लोग सुबह वाला एपिसोड, अगर आप लोगों ने अब तक चेकआउट नहीं किया वो फर्स्ट चैनल पर है, सेम सीरियल नंबर है, मजा आ गया था उसमें क्योंकि हम लोगों ने 1950 का खजाना एक तरीके से 1950 से उसको बनाया था डेविड भैया ने, जो कि गोल्ड के बॉस है। अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हुई थी और फिर आखिर में आकर के मैंने डेविड के बेटे के मैनेजर को बेवकूफ बना के बोतल में उतार लिया एक तरीके से। मैंने उसकी हेल्प कर ली, उसकी जान बचाई, तो बंदा बोल रहा है ट्रेवर तुम महान हो। मैंने बोला भाई ट्रेवर तो सब कुछ कर सकता है, ट्रेवर महान ही है, उसको मैंने पूरा अच्छे से बोतल में उतार लिया है। वो आगे से बंदा ट्रेवर को दोस्त मानेगा और फिर वो मेरे को दोस्त मानेगा तो उसका डेविड का बेटा भी मानेगा क्योंकि इनके आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ठीक है भाई, देखते जो होगा पता लग जाएगा। अभी यार मेरे को एक प्राइवेट काम करना पड़ेगा, प्राइवेट मेरा भी नहीं पुलिस वालों का है। दरअसल यार देखो टाइम निकाल नहीं पा रहा था, अब टाइम निकालना पड़ेगा। रही बात डेविड के मैनेजर की, मतलब कि उसके बेटे के मैनेजर की, उसको बाद में देख लेंगे, वो अपना काम करने में बिजी है, वो चेक कर रहा है उसके ऊपर अटैक कौन करवा रहा था, वो उस चीज़ में बिजी है, तो इसलिए उसको अभी अकेला छोड़ दो। तो इस एपिसोड में हम लोग फोकस करेंगे एक अलग माफिया के ऊपर जो कि भाई बहुत दिन से है लॉस एंजेलिस में, छोटी मोटी है बट ज़्यादा बड़ी नहीं है। दरअसल FI वालों को बहुत परेशानी है उससे क्योंकि वो माफिया ढूंढ ढूंढ के सिर्फ पुलिस वालों को मार रही है, यही दिक्कत है। FI वाले पुलिस वाले इनको ही टारगेट कर रही है, शहर में कोई क्राइम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता बट पुलिस वालों को मार के निकल जाते हैं। तो पुलिस वालों ने बहुत दिन पहले मेरे को बताया था कोई अंडरग्राउंड माफिया है कुछ ऐसी करके, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं चेक कर लूँगा, देखते हैं कितना दम है तुम्हारी बात में। तो ठीक है चलिए भाई अब मैं पता करता हूँ जाकर के कुछ इन्फॉर्मेशन क्या मिली बंदों को, लगता है उनको कुछ क्लू मिला है। तो बोल रहे कि ट्रेवर प्लीज़ उसको पकड़वा दीजिए, इस माफिया के बॉस को पकड़वा दीजिए ताकि हम ये केस सोल्व कर सकें। तो ठीक है भाई चलिए हेल्प करता हूँ उनकी और देखता हूँ आखिर कौन सी माफिया है जो पुलिस को मार रही है, क्योंकि बंदे बहुत परेशान है भाई। अब मैं ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहता उनको, झूठ बोल बोल के मैंने बहुत टाल दिया इस बात को, अब ज़्यादा मैं टाल नहीं पाऊंगा। अपना प्यारा गेम शुरू हो चुका है, ये मेरी प्यारी गिफ्ट है पुलिस वालों का ही, इसलिए पुलिस वालों काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे ड्राइवर सर आपने इतनी महंगी गाड़ी ले ली और ऊपर से हमारा काम नहीं किया, ये क्या बदतमीज दिया, तो रोड में भी अटक गई, ये तो इतना मस्त स्टंट होने वाला था। चलिए फिलहाल भाई निकलता है FI बिल्डिंग पर और बंदे से बातें करता हूँ। स्टंट तो मेरे सामने बजेगा बट मैं नहीं करना चाहता यार, स्लो मोड में चला जाता है और बहुत टाइम वेस्ट करता है फिर गेम। पहुंच चुका FI वाले बंदों की जगह पर, निकलता हुआ जल्दी से। फिलहाल देखो ड्राइवर थोड़ा डैमेज है, वो इसलिए डैमेज है क्योंकि कुछ बंदे मैंने भेजे थे अटैक करवाने के लिए तो मेरे को भी मारना पड़ा था उनको ड्रामा करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, नकली गोली वाला पाउडर है, मतलब कि टमाटर की चटनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो भाई FIV के चाचा जी कैसे बाहर खड़े हो, कोई टेंशन हो गई है, डर लग गया। अच्छा बोल ब्रो क्या दिक्कत है, मैंने इससे सारी बातें करी, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है भाई, दिक्कत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर बंदे मर रहे हैं सुबह शाम पुलिस वाले, पाँच पाँच बंदों की डेड बॉडी डेली मिल रही है, मतलब ये गैंग इतनी ज़्यादा ऊपर निकल गई, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड सुनी थी, अंडरग्राउंड माफिया कहाँ से आ गई कोई। चलिए जो भी है पता कर लेंगे भाई, पता कर लेंगे सारी चीज़ें, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको बताया। ड्राइवर के शहर में बंदे ऐसे काम कर रहे हैं तो उनको तो थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा ना, ड्राइवर के मोहल्ले में पुलिस को मारा जा रहा है, बड़ा गलत चल रहा है, बड़ा गलत चल रहा है मोहल्ले में। तो पूर्ण करेंगे ये बात, चलिए निकलता हूँ मैं। इन्होंने मेरे को घर का एड्रेस दिया है, बोला कि ड्राइवर सर कुछ माफिया है घर में रैंडम जगह, तो सर आप जाके चेक कीजिए वो बंदे क्या आप कुछ जानते हो उसके बारे में, हमें ऐसा पता लगाया। मैंने बोला ठीक है भाई तू भी पता कर लेती है बात, तो ये बोल रहा है कि बंदे ड्राइवर सर हमें झूठ बोल रहे हैं, आपसे सच बोलेंगे, पता नहीं भाई ये कौन सा लॉजिक है। वैसे हाँ ये बात कभी कभी हो जाती है क्योंकि आपको पता है ड्राइवर थोड़ा सा घूंसे बजाता है, ड्राइवर का डर ज़्यादा है पुलिस से, तो इसलिए क्या पता बंदे बोल दे मेरी पिटाई खाने के बाद। सच निकलता हूँ मैं, पहुँच चुका हूँ उस जगह पर। हेलो भाइयो कैसे हो, वाओ चोप खड़े हुए हैं वो भी दो दो, कैसे हो भाई, खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स, वैसे ड्राइवर के सामने क्या ही खतरनाक, जब ड्राइवर बचाने में आता है तो सबका नेता बना डालता है, ऊपर से ड्राइवर की हालत देख के बंदे डर जाएंगे कि ड्राइवर कैसा हो करके रखा है, किसको मार करके आया है, अब क्या करे भाई, सुबह शाम बंदे ही मारने पड़ते ड्राइवर को। एक इन्फॉर्मेशन लूँगा, शहर में कुछ दिनों से एक गैंग का बड़ा आतंक है जिसका नाम है अंडरग्राउंड माफिया, कौन है ये, कहाँ पे रहते हैं, मेरे को बस ये जानना है कि तुम जानते हो उसके बारे में, देख भाई अगर जानता हो तो बता दे। बंदा बोल रहा है नहीं ड्राइवर सर हम नहीं जानते, हम तो वैसे प्राइवेट बंदे, हम कोई माफिया के बंदे नहीं है। मैंने बोला बहुत पता है मुझे तुम कितने बंदे हो और कैसे कैसे बंदे हो। तो पॉइंट कहने की ये बात है, चलिए भाई निकलता हूँ यहाँ से। पुलिस वालों को फिर से फ़ोन आया बेचारों का, कुछ डेड बॉडीज और मिली है भाई, पुलिस वालों को दिन दिहाड़े मारना शुरू कर दिया इस गैंग ने, लगता है ज़्यादा उछलने लग गए ये। मुझे ना इसको स्टार्टिंग में इनका थोड़ा एक्शन लेना चाहिए था, मतलब इस गैंग के ऊपर जब पुलिस वालों ने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था, मैंने सोचा होंगे कोई छोटे मोटे बंदे क्यों टाइम वेस्ट करना, बट भाई ये छोटे मोटे बंदे तो कुछ ज़्यादा नहीं उछल रहे आजकल, जो भी है चलिए पता करते हैं जैसे भी होगा। निकलता हूँ जल्दी से जगह पर, पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर,
आप देख रहे हो कितने सारे बंदे यहाँ पर आके रखे हैं, एम्बुलेंस बहुत सारी है, पुलिस वाले बंदे हैं, न्यूज वाले बंदे हैं। क्योंकि देख सीधी सी बात है भाई, पुलिस के ऑफिसर्स मरे हैं, पता नहीं कितने मरे हैं, तो मेरे को फोन में बताया नहीं था बंदों ने, वो मैं खुद ही जा करके चेक कर लेता हूँ। तो भाई मेरे को लगता है केस मेरे को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मामला सीरियस होता जा रहा है, और अगर ऐसे ही लगातार पुलिस वाले बंदे मरते चले जाएंगे तो न्यूज़ में काफ़ी बदनामी हो जाएगी पुलिस की। हेलो ऑफिसर्स, अरे अरे भाई, एक दो तीन चार पाँच बंदे मारे गए भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। हेलो जी टकलू चाचा, कैसे मौत हुई है, गोली मारी क्या हुआ? बंदा बोल रहा है ड्राइवर से गोली वोली नहीं मारी, सस्ती गैंग लग रही है। तीनों को पेट में, मतलब पांचों को पेट में चाकू मारा है, चाकू मार के जान से मारा है। चलिए भाई जैसा भी है ढूंढना पड़ेगा यार, ये तो कुछ मामला ज़्यादा ही सीरियस कर दिया इन बंदों ने, सोचा नहीं था मैंने इतना तगड़ा सीरियस हो जाएगा सारे के सारे चीज़। जो भी पता लगाऊंगा। ये देखो आंटी का न्यूज़ में काम करने से मतलब फुर्सत नहीं है। आंटी क्यों डरा रही हो मोहल्ले वाले बंदों को, शर्म नहीं आती? हम लोग ढूंढ लें केस को। ये देखो ये आंटी, अबे चल कैमरा बंद कर नमूने, नहीं तो सीधा कर दूंगा तेरे को मैं। बंदों के बीच में डर नहीं फैलाना चाहिए, हम पकड़ लें क्रिमिनल को, बात ही खत्म है। ऐसे जनता डर जाएगी नहीं तो, आपको बताया भाई खुले आम से मर्डर होते रहेंगे तो पुलिस वाले बंदे जॉब पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस वालों का स्पेशल मर्डर हो रहा है, और बंदे डर जाएंगे तो आपको पता है फिर काम खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरे को एक काम जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ भाई, एक तो वैसे इतना सीरियस मैटर चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे ऊपर गोल्ड वाले बंदे आके अटैक कर रहे हैं बार बार, मतलब अभी तक किया नहीं है, बट कर भी नहीं पाएंगे, मैं करने नहीं दूंगा। मेरे पे बहुत बड़े बड़े प्लान है, मैं उनको जब तक कंगाल नहीं करूंगा ना, जब तक लगता है वो हो गई नहीं, अगर हो गई तो फिर भाई मेरा बैड लक। बट प्लान भाई देखो हर बार सक्सेसफुल भी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता, जैसे सुबह आधा हुआ आधा नहीं हुआ, बहुत कभी किस्मत ख़राब हो जाती है। निकलता हूँ जगह पर, देखते हैं अब क्या पता लगा। मैं जगह पर पहुंच चुका भाई, आधे घंटे का पुलिस वाले ने फिर मेरे पास फोन किया। दरअसल क्या दिक्कत है, इन्होंने यहाँ पर कुछ बाल वाले के ऊपर रेड मारी है और बोला कि ड्राइवर सर हमने लगता है क्रिमिनल पकड़ लिए, ये बंदे बैंक लूट के भाग रहे थे और तीन पुलिस वालों को मार डाला, हमें लगता है यही वो गैंग है। मैंने बोला ठीक है भाई, बट ये बाला वाली गैंग है, ये कोई वो गैंग तो नहीं है, क्या दिक्कत है। अरे रे रे, ऐसा एक नज़ारा मैं एक बार और देख चुका हूँ, आपको याद है, मतलब ये बाला वाले जब भी चोरी करते हैं टनल में क्यों छुपते हैं? वैसे भाई टनल बहुत अच्छी सेफ जगह होती है, मैंने बोल के रखा है नमूनों को, आपको याद है जब कभी भी पुलिस से कुछ पंगा होता है मेरा, मैं टनल में चला जाता हूँ, क्योंकि टनल में पुलिस बहुत कम फॉलो करती है। बट इनकी किस्मत देख रहे हो कितनी बुरी है, चलो पता करता हूँ यही वो गैंग है नहीं है। बाला एक गैंग घूम रही है मोहल्ले में अंडरग्राउंड गैंग के नाम से, क्या तू ही हो वो? बता दे ब्रो तुम ही हो क्या वो? नहीं तो मैं इतनी गोली मारूंगा नाम भूल जाएगा ब्रो, बिल्कुल बीच में मारूंगा, जल्दी बोल। बंदा बोल रहा है ड्राइवर अपने पेरेंट्स की कसम खा के बोलता हूँ, सच्ची में मजबूरी में चोरी कर रहे हैं, पैसे की कमी थी घर में, किराया देना था वगैरह वगैरह, ये कोई दे बताओ। ऐसे तो दुनिया भर के बंदे जिनको रेंट देना है पैसे नहीं है, तो मतलब वो चोरी करेंगे? अब कमाल का बंदा है, बहाना क्या बोला, पुलिस वाला पकड़ लो डंडे मारो इनको, ये वैसे वो गैंग नहीं है, बट जेल में लेके जाओ नमूनों को, रेंट देना है इसलिए बैंक लूट लिया। वाह बेटे वाह, अगर ऐसा करने लग गए सब बंदे तो सुबह शाम बैंक लूटेंगे फिर तो पूर्ण करने की बात है। बट भाई ये अंडरग्राउंड माफिया नहीं है, ये नॉर्मल अपनी बाला ही गैंग है, यहाँ पे आगे भी टाइम वेस्ट हो गया। चलिए निकलता हूँ यहाँ से भी, ये गैंग को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक काम करते हैं, चलो टेक्नो की हेल्प लेता हूँ। मैंने अब तक अपने टेक्नो को बोला था ना, मैं तो पुलिस की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चल रहा था, टेक्नो को बोलता हूँ कि टेक्नो यार ये कोई अंडरग्राउंड नाम की माफिया है जो कि कुछ पिछले महीने से बहुत परेशान कर रही है पुलिस वालों को। सिर्फ FIB के बंदे मरते, पुलिस वाले बंदे मरते, अभी तक आर्मी के बंदे तो नहीं मरे, बट तू यार चेक कर ये है कौन। टेक्नो ने तो भाई 2 मिनट में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा ट्रेवर तूने अंडरग्राउंड बोला तो ये बोल रहा है कि ट्रेवर मैंने आधे घंटे पहले कैमराज में से कुछ बंदों को जाते हुए चेक किया है टनल के नीचे, क्या होता वही तो नहीं अंडरग्राउंड माफिया? भाई हो सकती है क्या होता टनल में वो भी मीटिंग करते हो? तो फिर जा करके चेक करता हूँ, उसने मेरे को लोकेशन दे दिया उसी टनल में जहाँ पर मैं अक्सर जाता रहता हूँ, उसी टनल में इसने बहुत सारे बंदे देखे हैं। अब अगर वही हुए तो मैं अभी मज़ा आ जाएगा बंदों को, अभी पीट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चल ट्रेवर जल्दी जल्दी निकल जल्दी से जगह पर, पहुंचने में भाई देखो 2-4 मिनट लगने वाली है। मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, मैंने सायरन ऑन कर लिया है, देखे थे सायरन ऑन करने का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, मजा आएगा। अबे नमूना हट जाओ, तुम्हें थोड़ी पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। भाई सायरन ऑन करने का इफेक्ट ऐसा हुआ मैं अंदर भी नहीं आया, गोली चल गई मेरे ऊपर। नमूना पागल हो गया है तू, इतनी गोली मारोगे कोई ऐसा काम कैसे चलेगा? हेले बेटे सीधा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। सारे बंदे जैसे लग रहे दिखने मेरे को, पता नहीं कैसे बंदे कौन से बंदे, इसका मतलब सच्चे पुलिस वालों से बड़ा गुस्सा खा करके रखे बंदे। बट कोई बात नहीं, मैं इन सभी को सीधा कर सकता हूँ, मेरे में दम है। और ट्रेवर को पुलिस वाला समझा तुम लोगों ने? तो फिलहाल भाई लगता है अंडरग्राउंड वाले माफिया फाइनली मेरे को मिल चुके हैं, सभी एक जैसे कपड़ों में हैं, ये मतलब इनका ड्रेस कोड है कुछ और है वो पता लग जाएगा। बट मुझे लगता है फाइनली बहुत देर के बाद में दुश्मन पार्टी के बंदे मिले। चलिए टेक्नो ने भाई पहले ही फ़ोन में हमारा काम आसान कर दिया, बहुत बढ़िया। आ जा, कहाँ से चला रहा है नमूने, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, दिख जाता ना तो तेरे को बताता मैं ट्रेवर से गोली, मतलब ट्रेवर से पंगा लेने का, ट्रेवर गोली मारने का नतीजा क्या होता है ये लैप प्रो। तो चलिए फिलहाल भाई इसको ख़त्म करता हूँ। चाचा यहाँ पे खड़े हुए, वाह बेटे वाह, गोल्ड की डील चल रही थी, बहुत बढ़िया। करो गोल्ड की, चलो गोल्ड फ्री मिलता है दुनिया में, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। ये ले बेटे
तो चलिए मैंने ये भी खत्म कर दिया भाई, जो दो चार छुपके बच्चे मतलब बंदे बचे होंगे उनसे पता कर लेता हूँ, चेक करता हूँ, देखते हैं आखिर ये बंदे ही हैं मतलब अंडरग्राउंड वाले या फिर कोई और बंदे हैं। अब जो भी है वो तो मेरे को ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा जल्दी, और इस केस को सॉल्व करना है यार, ज़्यादा टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओके और कोई है? नहीं भाई और कोई नहीं है, बट गोली तो चल रही है, लगता है कोई ऊपर से या फिर कहीं पर छुप करके बहुत प्यार से गोली चला रहा है, मेरे को दिख नहीं पा रही बिल्कुल भी, लगता है बंद हो गए। अभी भी है भाई, अभी भी है, ऊपर है नीचे, अरे कहाँ पर है, दिख जा नमूने, इधर से चलिए भाई इधर से, कहाँ पर है, मतलब दिख नहीं रहा भाई मेरे को, गायब हो रखा है क्या, दिख ही नहीं रहा सच्ची में। ओके गाड़ी के पीछे है, गाड़ी के पीछे, मर गया नमूनों का सरदार। चलिए फाइनली मिनी गन ने मजा उठा दिया सक्सेसफुली भाई, एक नमूने से मैंने बातें करी, अंडरग्राउंड के ही माफिया है, बोल रहे ड्राइवर तूने पंगा लेकर ठीक नहीं किया, अभी तक हमारी दुश्मनी पुलिस वालों के साथ थी, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने पूछा इसे कपड़े क्यों पहने हैं, बंदा बोल रहा है हमारी पसंद, मैंने पूछा ड्रेस कोड है क्या तुम्हारा, बंदा बोला नहीं हमारा ड्रेस कोड कुछ नहीं है, हमारी मर्जी जो पहन लेते हैं। मैंने ड्रेस कोड के बारे में इसलिए पूछा था भाई क्योंकि फिर मैं पुलिस वाले को बोल सकता था कि बंदे इस जैसे ड्रेस में रहते हैं। अब मैं पुलिस वाले को भेज रहा हूँ यहाँ पर, बोलूँगा कि जल्दी आ जाओ यहाँ पर और आकर के चेक करो सारी चीज़ें, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके फ़ोन में इन्फॉर्मेशन तुम्हें ज़रूर मिलेगी जिससे हमें अंडरग्राउंड वाली माफिया को पकड़ने में थोड़ी आसानी होने वाली है। चले निकलता हूँ, देखते पुलिस वाले क्या इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं, बताओ देखो कहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। एक घंटे के बाद में पुलिस वाले ने भाई मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, अरे बोल रहे कि ट्रेवर सर हमें इन्फॉर्मेशन इनके फ़ोन के हिसाब से डैम पर इन्फॉर्मेशन मिली, आप डैम पर पहुँचिए। निकलता हूँ भाई, इसका मतलब यहाँ के कुछ बंदे शायद से डैम पर भी है, फिर फ़ोन है जो भी है पता करता हूँ, जल्दी ट्रेवर निकल भाई डैम पर जाना है मेरे को। पुलिस वाले बोल रहे थैंक यू ट्रेवर सर, कम से कम आपको कुछ तो मिले, पहली बार बंदे तो मिले। मैंने बोला तुम टेंशन कर लो, मेरे को थोड़ी देर में बॉस ही मिल जाएगा, कौन सा बॉस है नहीं गैंग का, तुम टेंशन मत लिया करो, ड्राइवर के बंदे हो तुम लोग, ड्राइवर को तुमने गाड़ी गिफ्ट करी है ये सोच लेना बस, उसके लिए मैंने रिटर्न गिफ्ट दे दिया तुम्हें, सीधी सी बात है ड्राइवर फ्री में कुछ नहीं लेता किसी से। मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, मैंने फिर साइरन ऑन करके रखा हुआ है, बट अब की बार मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ वो भी पता करता हूँ। अरे भाई यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के बंदे हैं, ये क्या ड्रामा चल रहा है, चेक करता हूँ क्या दिक्कत है, ये सच्ची में ऑफिशियल आर्मी है, फिर यहाँ पर लोकेशन क्यों आई भाई उनके फ़ोन की, जो भी है मैं चेक करता हूँ पता करता हूँ बंदों से। हेलो भाई हो क्या हाल चाल है, तुम ऑफिस मतलब कि ऑफिशियल बंदे हो क्या आर्मी के या फिर यहाँ पर दो नंबर के बंदे बन के रखे हो। देखो ट्रेवर ये चटनी लगा के नहीं आया शर्ट पे, ये खून है, अगर समझ में आया तो सीधा कर दूँगा, अगर तुम लोगों ने झूठ मेरे को बोला। क्या चल क्या रहा है यार यहाँ पर इतने बंदे, अभी दो दिन पहले तो बंदे मारे गए थे मैं, एक सेकंड यार नीचे बहुत सारे जेल के मतलब कैदी है, प्रिजनर है जिसके आप देख रहे हो, देखो मतलब सामने इधर बहुत सारे कैदी खड़े हुए हैं, ट्रेवर जरा देख इनको। हाँ भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, मुझे लगता है ऑफिशियली आर्मी, ज़रा चेक करता हूँ। ऑफिसर ज़रा मेरी बात सुनो, मैंने बंदे से बातें कर ली है, बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर सर किसने बोला कि हम बदमाश है वगैरह वगैरह, हम आर्मी के ऑफिशियल बंदे। फिर मैंने जनरल से बात करी तो जनरल मेरे को बोला कि हाँ ट्रेवर ये टेम्प्रेरी आज ही मैंने बिठवाए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गैंगस्टर आए थे उनको पकड़ना था, जिनको हमने ऑलरेडी पकड़ भी लिया, दो घंटे के अंदर ये बेस खाली हो जाएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें। मैंने बोला नहीं यार मेरे को कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन आई थी कुछ बदमाशों की यहाँ पर, तो बोला कौन थे बदमाश, जनरल ने मुझसे पूछा, मैंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं तुम टेंशन लो। तो भाई जनरल से कंफर्मेशन मिल गई है ये ऑफिशियल आर्मी के बंदे हैं, दरअसल किसी को अरेस्ट करने के लिए आए थे, जो मिशन पूरा हो चुका है यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे उनकी लोकेशन ऐसा लगता है शायद से वो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हो और फिर वहाँ यहाँ से निकल गए हो, तो इसी वजह से बंदों की लोकेशन यहाँ पर आ गई है, बस यही बानेंगे भाई, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आर्मी के बंदे को तो मार नहीं सकता ना, ये असली बंदे हैं, कन्फर्मेशन मैंने खुद की है कॉल करके, अगर भाई कॉल नहीं मिलती है आर्मी का जनरल बोलता मैंने नहीं भेजे तो ये तो सारे पिटते यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नो का फोन मेरे पास आया, टेक्नो मेरे को बोलता है ट्रेवर मुझे लगता है ग्रीन गैंग वाले बंदे इस गैंग के बारे में कुछ जरूर जानते हैं, तो उनको जाकर के पूछ और चेक कर क्या जानते हैं इनके बंदों के बारे में, मुझे लगता है वो बंदे कुछ तेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ठीक है भाई चल जाकर के निकलता हूँ, ग्रीन गैंग वाले बंदे जो कि है मेज बैंक के पीछे वाले एरिया की तरफ, मेज बैंक बोल रहा हूँ पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक जो अपना है वहाँ पर, उसी एरिया मेरे को जाना है, तो ठीक है निकलता हूँ। वैसे उस बेस में ऑलरेडी पहले बहुत टाइम पहले जा चुका हूँ, वहाँ पे बहुत बंदे पहले मारे भी थे बट काफ़ी टाइम से वहाँ पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। निकलता हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ जगह पर भाई, यही वो एरिया मोहल्ला है जो लॉस्ट वाले प्यारे भाइयों ने कब्जा करके रखा हुआ है। वाह पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल कर दिया, गेट ओपन कर भाई नमूने, बंदा मुझे बोल रहा है ट्रेवर सर ओपन ही हो जाता है तो ऐसे आप ओपन कर लीजिए, मैंने बोला ठीक है थैंक यू ब्रो, आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई लॉस्ट वाले बोल रहा हूँ, ग्रीन गैंग वाले प्यारे बंदो, लॉस्ट वाले मेरे मुंह पर इसलिए आगे, बेचारों के साथ मैंने डबल क्रॉस वाला काम किया था सुबह, अब क्या करे यार, वो भी नहीं मानते और मैं भी नहीं मानता। मैंने भाई ग्रीन गैंग वालों को सारी बातें बताई और इनसे इन्फॉर्मेशन ली, ना 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 ये कुछ नहीं जानते भाई, वो तो बस अपना एक मतलब कि टेक्नो का तुक्का था, अंदाजा था। ये बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर हाँ सुना तो हमने भी है बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, अगर आप बोलो तो हम ढूंढ लेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है काम पर लग जाओ, तो मैंने इनको भी काम बोल दिया अंडरग्राउंड माफिया को ढूंढने के लिए, देखते भाई कौन जल्दी इनको ढूंढ लेगा पता लग जाएगा। तो ये भी नहीं जानते, पुलिस भी नहीं जानती, आर्मी भी नहीं जानती, ये कौन है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही छोटी गैंग है भाई, या तो देखो लॉस सैंटोस की है नहीं,
जो भी हो तो पता लग जाएगा। ट्रेवर निकल यहाँ से। मेरे पास FIB वालों का फोन आया है, बंदे बोल रहे ट्रेवर सर बंदे मिल गए हैं बड़ी मुसीबत से और बड़ी मेहनत से। टनल के अंदर घुसिए, थोड़ा लंबा चलिए, डीलिंग चल रही है बंदों की, ऑफिशियल बंदे हैं अंडरग्राउंड वाले, इनसे पीट के पूछिए इनका बेस कहाँ पर है और बॉस कहाँ पर है। एक बार आप बॉस का इन्फॉर्मेशन निकाले तो सही, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ठीक है चलिए भाई निकलता हूँ मैं। अंडरग्राउंड वाले ऑफिशियल बंदे फिर से दोबारा मिल गए हैं हमें, फिर से टनल में। तो मुझे लगता है मुझे पूरा टनल चेक करना चाहिए। अंडरग्राउंड मतलब इसके अंडरग्राउंड में रहती है, नाम भी अंडरग्राउंड और रहती भी अंडरग्राउंड है। वाह निकलता हूँ, पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर। ये वही टनल है जहाँ पर मैं कुछ देर पहले आया था। फिलहाल तो पुलिस ने एरिया पूरा क्लियर कर दिया क्योंकि पुलिस वाले बंदे यहाँ पर आ गए थे। अभी कोई बंदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला, सब तो मैंने ख़त्म कर दिया था, उनकी बॉडीज पुलिस ले गई है और सारी चीज़ें। तो चलिए जल्दी से अब यहाँ से ही मेरे को अंदर जाना है और बोला गया था यहाँ पर ही मेरे को प्यारे बंदे मिलने वाले। फटाफट से अंदर की तरफ निकलिए। चलिए 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 कहाँ पर बंदे मिलेंगे बताओ, कैसी कैसी जगह पर डीलिंग करते हैं ये, इतने घटिया एरिया। क्या दो दो रुपये गैंग आती है लोस्ट सेंटर सच्ची में, जिनके ऊपर मेरे को टाइम वेस्ट करना पड़ता है। अगर पुलिस वालों का काम नहीं होता तो मैं करता बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस वालों ने इतना एहसान कर दिया मेरे ऊपर तो आपको बताया ट्रैवल फ्री में किसी से एहसान नहीं लेता। तो ये है बंदे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास में। हेलो भी कैसे हो, अरे मुझे मारेगा पिस्टल से मारेगा, इतना दम आया। क्या कर रहे थे भाइयों यहाँ पर, मनी डीलिंग, पैसों की डीलिंग चल रही थी। अब इन पैसों की डीलिंग क्यों कर रहे थे बंदे वो मैं चेक करूंगा, चलिए फिलहाल भाई पता करता हूँ किसी बंदे को उठा करके देखते हैं बंदे क्या बोलेंगे। मैंने एक बंदे को उठाया, थोड़ा सा होश में था, थोड़ा बेहोश था एक तरीके से। तो पूछा मैंने कि भाई जी कष्ट करोगे अपने बॉस का नाम बताने के लिए। तो बंदा बोल रहा है ट्रेवर टेंशन मत लो, तुमने हमें मार कर बहुत बड़ी गलती करी, हमारी दुश्मनी पुलिस FIB एंड मिलिट्री से थी, हम मिलिट्री बेस के ऊपर भी थोड़ी देर में अटैक करते बट तुमने हमसे आज पंगा लेकर बहुत बुरा किया, तुमने हमारे दो बार बंदों को मारा। तुम मत टेंशन लो, बॉस खुद आएंगे तुमसे मिलने के लिए। ये देखो मच्छर भी तो भाई ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ऑल आउट लगाऊंगा, वो भी हाई स्पीड में 2 मिनट में भाग जाएंगे। कमाल के बंदे हैं, मुझे बोल रहे ड्राइवर बॉस तुमसे खुद मिलेंगे आकर के, तुमने ठीक नहीं किया पंगा लेकर के, अब देखना क्या होगा। हाँ दे भाई, मैंने बोला ठीक है भेज दे जा, मिस कॉल मारा अपने बॉस को, फ़ोन कर, नमूना बेहोश हो गया। तो ठीक है मैं आर्मी के पास निकलता हूँ, उनको बोल देता हूँ कि भाई हो ये जो चिन्नी गैंग है ना तुम्हारे ऊपर भी अटैक करने के लिए बोल रही है, ज़रा सावधान रहो क्योंकि अगर तुम में गोली लग गई तो फिर ये मत बोलना ड्राइवर तुमने बताया नहीं था। तो चलिए निकलता हूँ, पहुँचता हूँ बंदों, खबर पहुँचाता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ जगह पर। चलिए ड्राइवर भैया आगे बढ़िए। ओके फिलहाल भाई देखते हैं मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, वैसे हंसेंगे बहुत क्योंकि आपको होता है छोटी मोटी चीज़ों पे ये आर्मी ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। हेलो ऑफिसर्स, बहुत ज़रूरी बात बताऊँगा, तुम्हें पता नहीं होगा शायद से बट मुझे पता है, हमारे लॉस सैंटोस में कोई चूहा घुसाया है जिसका नाम है अंडरग्राउंड माफिया, तो उनको पकड़िए। आजकल आपको न्यूज़ में आ रही होगी पुलिस वालों को मार रहे हो बंदे, अगला शिकार आपका भी होने वाला है, इसलिए सावधान रहना, जैसे चूहा आए पकड़ के दबा देना उसको, ख़त्म कर देना। बाकी बस यही बात बोलने आया था, ठीक हो अब तो तुम्हारे ऑफिसर वो मतलब सीख है भाई, आपको याद है सुबह वाले एपिसोड में बहुत सारे ऑफिसर्स को पकड़ लेते एक माफिया ने, मैंने छुड़वाया था, मैं भी गया था, ये भी गए थे अटैक करने के लिए, बहुत टाइम लगा तो छूट गए, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे बंदे बोल रहे ट्रेयर कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक तो, गोली वोली कैसे लग के रखे। मैंने बोला चूहों को मार रहा था उन्होंने काट लिया। चलिए फिलहाल ठीक है भाई, अंडरग्राउंड मतलब के माफिया अब तो नहीं बचेगा, मैंने बात मिलिट्री से शेयर कर ली है। और आपको पता है जब आर्मी के पास बात जाती है तो आर्मी तो भाई आर्मी है, खैर आर्मी के पंगे में कौन लड़ेगा आकर के। ट्रेवर निकलिए पतली गली से, बन रहे हैं नेता, इनको तो हम बताएंगे कैसे असली नेता बनते हैं। फिलहाल भाई जैसे ही मैं आर्मी वैसे बाहर निकला, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कुछ बंदे आए हैं, अब कौन है कौन नहीं है वो देख लेंगे, बट बंदे तो कुछ नए से लग रहे हैं मेरे को। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। आप लोगों को बहुत परेशानी है, मतलब जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्या भैया, तो गोली खाइए एंड सो जाइए सच्ची में। चलिए एक काम करता हूँ, इनसे मैं पूछूंगा जरूर कि आखिर यहाँ पर हमला करने का क्या मतलब, मेरे ऊपर अटैक करने की क्यों तुम्हें भाई इतनी ज़्यादा सलाम लगी थी, तुम यहाँ पर मुझे मारने आ गए। ये अंडरग्राउंड वाले तो भाई फिजिकल तो मैटर सीरियस है, छोटी गैंग नहीं है, तो गैंग ने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बंदे भेजे तो फिर आप समझ रहे हो, अरे अरे आराम से मैंने तो तबाही सी मचा दी यहाँ पर, यहाँ पर तो आतंक बहुत ज़्यादा उठ गया। अरे सो सॉरी, बड़ा बुरा हुआ। ये ले बेटे, अरे भाई पागल हो गया भाई, टकलू मेरे को मारेगा तू रोड क्रॉस करने के लिए, मेरे को मारेगा, ये ले बेटे भाग निकल यहाँ से, चाचा आखिरी। अरे भाई फिर से, अबे नैनो वाले टकले पागल हो गया क्या, सच्ची में हद मचाते हो, जाएगा जा चल के भेजता हूँ मैं शॉर्टकट से, आखिरी बंदा बचा उसको मारने के चक्कर में 2 बार टक्कर खा ली मैंने, कहाँ पर है ये ले बेटे, इतना दम आया तुझ में नमूने। तो फिलहाल एक और आया, ये ले बेटे तू भी जा। पता करता हूँ, पूछताछ करता हूँ क्या ड्रामा है, किसके बंदे हैं, क्यों आए हैं,
हर एक चीज मैंने पता कर लिया। बंदा बोल रहा है कि ड्राइवर हमें हमारे बॉस ने भेजा था अंडरग्राउंड ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड माफिया वाले बंदे ही हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला यार तुम्हारा तो बड़ा जल्दी एक्शन हो गया रिएक्शन का मतलब एक्शन का रिएक्शन बड़ी जल्दी हो गया। चलो बढ़िया बात है कम से कम गैंग में दम तो है। ये बादशाह की तरह तो नहीं है कि अटैक नहीं करते बस धमकी देकर भाग जाते हैं। गैंग में दम है भाई छोटी गैंग है बट दम काफ़ी लेके रखा है बंदों ने। यार जो भी है निकलते यहाँ से कमाल है। मैंने सोचा नहीं था इतना दम होगा बंदों में। ड्राइवर निकल ब्रो। टेक्नो का फ़ोन आया टेक्नो को ज़रा एक अपार्टमेंट में कुछ बंदे मिले गैंग वाले तो टेक्नो भैया को पूरा पूरा शक है कि ये बंदे हो सकते हैं वो जिनको मतलब कि जिसकी तलाश मुझे है। तो मैंने बोला ठीक है टेक्नो मैं निकलता हूँ तो बताना मेरे को। तो मुझे लगता है वो अंडरग्राउंड माफिया के बंदे और टेक्नो को भी लगता है। पहुंच की बातें कर लेते देखते कितना था। मैं पहले जाते गोली नहीं चलाऊंगा पहले पूछताछ करूंगा। मैं पहुंच चुका हूँ भाई जगह पर। बंदे तो मेरे को देखते ही भाग गए आधे बंदे तो डर गए एंट्री पर ही खड़े थे। अबे नमूना क्या हो गया मारने नहीं आया मैं आधे भाई असल में क्या है ड्राइवर खून मून में रहता है तो बंदे डर जाते। देखो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाते तेरा ब्लड देख करके। कुछ बंदे तो बहादुर है और कुछ बंदे डर रहे हैं। हेलो बॉयज ठीक हो ना कहाँ पर है भाई तुम्हारा प्यारा प्यारा बॉस जरा लेके आओ मेरे को सामने नमूनों का सरदार। तो इस जोकर से ही बात करनी पड़ेगी मेरे को लगता है ये इनका बॉस है। हेलो जी आंटी जी क्या हाल चाल है। तो फिलहाल जोकर भैया जोकर ही बना डालूंगा पीट पीट के। बस छोटी सी बात पूछने आया हूँ शहर में आजकल अंडरग्राउंड माफिया का बहुत चक्कर चल रहा है मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तू उनका बॉस है। सच सच बोलना नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बोलेगा या पिटेगा बोल। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर मारने की जरूरत नहीं है मैं कोई छोटी मोटी लोकल गैंग हूँ मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा। हम तो सिर्फ हफ्ता लूटते थोड़ी ड्रग की डीलिंग करते बस और कुछ नहीं करते। आपको गलत फहमी हुई है आप चाहे तो मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। मैंने बंदे का फ़ोन चेक किया कोई कॉल नहीं है। मैंने फिलहाल भाई टेक्नो को फिर फ़ोन करके बोल दिया कि इनके ऊपर नज़र रखना मुझे लगता है सच्चे डरपोक है भाई देखो कैसे भाग रहे हैं इनमें दम नहीं है। तो एक काम करते कहीं और ही तलाशी लेते हैं फिर। तो इसका मतलब इस गैंग को ढूंढने में थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा भाई। चलिए खैर करते हैं इसका भी कुछ सिस्टम करते हैं बट भाई मेन फोकस मेरा डेविड के ऊपर ही और उसके बेटे के ऊपर कर लेंगे उसका भी अरेंजमेंट कर लेंगे कोई बात नहीं। फिलहाल चलिए जो भी है पता निकालता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं भाई बंदे सच बोल रहे हैं क्योंकि अगर सच नहीं बोलते तो ये मेरे ऊपर अटैक करते क्योंकि मैंने कितने बंदों को मारा कोई और ही है फिर ये बंदे पता नहीं अंडरग्राउंड पता कहाँ पर रहती है। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो को इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सब्सक्राइब फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय।